श्री राम गर्दन कट जाए, लेकिन हम भगवान प्रभु राम को नहीं छोड़ सकते। सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी वहीं चला गया है, कि वो जहाँ जाता वही गड्ढा खोदता है। श्री राकेश प्रताप सिंह को, गौरीगंज के विधायक, धन्यवाद दूंगा मनोज पांडे को। राजनीति की दुनिया में बहुतों ने पलटी मारी है। जिसने जिसका साथ छोड़ा, छोड़ने वालों ने उसे छोड़ने के पीछे की वजह को अपनी सुविधा के मुताबिक नाम दिया, और जिनका साथ छोड़ा उन्होंने भी उन छोड़ने वालों की मंशा को उजागर करते हुए नाम दिया। महाराष्ट्र से लेकर बिहार बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे आप सबने सुना जरूर होगा। महाराष्ट्र में तो दो प्रमुख पार्टियां जिनकी पहचान नेताओं के नाम से रही, उन्हीं पार्टियों को हाईजैक कर लिया गया और उनके नेताओं के अस्तित्व को नकार दिया गया। अब लड़ाई जनता की अदालत में है, हम उनकी बात नहीं करेंगे। हमारा ध्यान तो यूपी की राजनीति में 17 मई को रायबरेली और अमेठी के इर्द गिर्द है, जहां से वफादारी और धोखेबाजी की लड़ाई शुरू हुई। एक कह रहा है हम वफादार हैं, तो दूसरा कह रहा है आप तो धोखेबाज हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो द राजनीति, जिसमें हम आपको राजनीति की तह में जाकर असल बात बताते हैं, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आज भी बताएंगे, आज बात करेंगे अखिलेश के 8 धोखेबाजों के बारे में। ये नाम है धोखेबाज, हम नहीं बल्कि खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने रायबरेली में एक नई और बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। एक तरह से कह सकते हैं करीब 3 महीने से अखिलेश के दिलो दिमाग में जिन 8 सपा नेताओं की बगावत की कार्यशैली बैठी हुई थी, आखिरकार अखिलेश ने उसे नाम दे दिया। अगर देखा जाए तो रायबरेली की लड़ाई कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के बीच है, लेकिन यहाँ एक और लड़ाई शुरू हो गई है। वो लड़ाई अखिलेश यादव और मनोज पांडे के साथ एक और सपा विधायक के बीच भी है, जिसका नाता अमेठी से है। जीत और हार से इतर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के टारगेट पर अब खुले तौर पर मनोज पांडे समेत सपा के 8 बागी नेता आ गए हैं। क्या गरीब होगा? सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी वहीं चला गया है, जो अभी अभी गया है धोखेबाज, उसकी खासियत है, जो अभी अभी धोखेबाज गया उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहां जाता वही गड्ढा खोदता है। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो, आपके एक वोट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा से विधायक रहे मनोज पांडे का बिना नाम लिए उन्हें धोखेबाज कह रहे हैं। ये बहुत ही तल्ख शब्द है। अब तक ऐसे शब्द का इस्तेमाल शायद ही किसी नेता ने हजारों लोगों के बीच किसी और नेता के लिए लिया होगा। अखिलेश कह रहे हैं, सुना है हमारा दूसरा धोखेबाज बीजेपी में शामिल हो गया है, उसकी खासियत है वो जहां जाता है वहीं गड्ढा खोदता है। अखिलेश का वो दूसरा धोखेबाज मनोज पांडे है। जिस वक्त अखिलेश रायबरेली में राहुल गांधी की जनसभा में मौजूद थे, उसी वक्त मनोज पांडे स्पेशली बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के हाथों से बीजेपी का पटका लेने के लिए अमेठी गए हुए थे। अपनी निष्ठा सपा से इतर बीजेपी के लिए दिखा रहे थे। मनोज बीजेपी में शामिल क्यों हुए, इसके तर्क दे रहे थे, लेकिन अखिलेश उसी वक्त उन्हें धोखेबाज का नाम दे रहे थे। जय जय श्री राम, गर्दन कट जाए, लेकिन हम भगवान प्रभु राम को नहीं छोड़ सकते। सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी वहीं चला गया है,
जो अभी अभी गया है धोखेबाज, उसकी खासियत है जो अभी अभी धोखेबाज गया उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहां जाता वही गड्ढा खोदता है। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। यहाँ अखिलेश मनोज पांडे को दूसरा धोखेबाज कह रहे हैं, तो पहला धोखेबाज कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनकर आप समझ जाएंगे अखिलेश का पहला धोखेबाज कौन है और जो बीजेपी का 2024 की लड़ाई में साथ दे रहा है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा श्री राकेश प्रताप सिंह को, गौरीगंज के विधायक, धन्यवाद दूंगा मनोज पांडे को जो रायबरेली के पास सांसद विधायक है। इन्होंने समाजवादी पार्टी से इन्होंने विद्रोह किया, कहा जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में रामलला की विराजमान होने के बाद जब मैंने प्रस्ताव रखा कि भाई चलो सभी विधायक एक साथ अयोध्या में दर्शन करते हैं, इन सभी विधायकों ने समर्थन किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं हम राम मंदिर का विरोध करते हैं, तो इन विधायकों ने कहा नहीं जो राम का विरोध करेगा हम उसका साथ नहीं दे सकते, और इन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया, कहा कि भाई हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। इन्होंने पहले ही कहा, इन लोगों ने कहा कि राम से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, हमारे पूर्वजों का संबंध है, पीढ़ियों से हमारा संबंध है, हम भूखों रह सकते हैं लेकिन राम को नहीं छोड़ सकते, राम के बगैर हमारा काम नहीं हो सकता है। वैसे मनोज पांडे ने जिस गर्मजोशी से गृह मंत्री अमित शाह का अपने घर में स्वागत किया, उसने अपने परिवार के लोगों से मिलाया, अपने घर में अमित शाह के आने से मंत्रमुग्ध हो गए, उसे सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग कुछ इस तरह से परिभाषित कर रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, मैंने हजार बार मनोज पांडे जी से सवाल किया, मनोज पांडे ने यह अंतिम दौर में धोखा क्यों दिया? समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण कार्यकर्ता सभा में आपको अपना नेता मानते थे, लेकिन आपने कहा था आपकी अंतरात्मा जाग गई है और मुझे आज समझ आया ये अंतरात्मा क्या होती है। आपके जिस महल में गृह मंत्री आए थे उस महल के अलावा पता किया तो आपके देश प्रदेश में बड़े बड़े कारोबार हैं। आपका एक बेटा क्रिकेट प्रेमी है और गृह मंत्री जी का बेटा क्रिकेट के BCCI के सचिव हैं। सोशल मीडिया पर सभा के इन 8 बागी विधायकों को लेकर अलग अलग तर्क गढ़े जाते हैं। चलिए आपको उस समय चक्र में ले चलते हैं जब सभा के 8 नेताओं ने अखिलेश से धोखेबाजी कर बीजेपी से अपनी वफादारी का प्रमाण दिया। वो समय राज्यसभा चुनाव का था, यूपी से 10 राज्यसभा सांसदों को चुना जाना था। माना जा रहा था इन 10 सांसदों की दावेदारी में 3 पर सभा का कब्जा होगा। सभा ने अपने 3 उम्मीदवार उतार भी दिए, लेकिन इसी दौरान एक ट्विस्ट आया। सभा के 8 विधायकों का हृदय परिवर्तन हो गया, उनके दिलों में कमल का वास हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी का 8वां उम्मीदवार संजय सेठ जीत गया। सभा का 3रा कैंडिडेट आलोक रंजन की हार हो गई। सभा के जिन विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करने का काम किया उसमें से कई अखिलेश यादव के करीबी माने जाते थे। क्रॉस वोटिंग करने वालों में सभा के 8 विधायकों में राकेश पांडे, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल, मेहराजी प्रजापति और आशुतोष मौर्या ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। इसके चलते ही सभा के 3रे उम्मीदवार की जीत की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। चलिए अब आपको सभा के उन 8 धोखेबाज विधायकों के बारे में बताते हैं जिन्हें धोखेबाज अखिलेश ने कहा। आखिर अखिलेश ने इन नेताओं से इतने गुस्से में क्यों है? आना जाना तो नेताओं का लगा रहता है, चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं।
राकेश प्रताप सिंह अमेठी जिले की गौरीगंज सीट से 3 बार के विधायक हैं। सभा से लगातार 3 बार से विधायक चुने जा रहे हैं और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अखिलेश के करीबी नेताओं में उन्हें गिना जाता था, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था। 2019 में भी उन्होंने स्मृति ईरानी को अंदरूनी मदद की थी। बीजेपी के सदस्यता लेने वाले सपा विधायक मनोज पांडे को अखिलेश ने विधानसभा में मुख्य संचेतक बनाया था। वो लगातार 3 बार से सभा के विधायक चुने जा रहे थे। अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, रायबरेली के ऊंचाहार सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करके अखिलेश के लिए धोखेबाज बन गए। सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी वहीं चला गया है। सपा विधायक अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। अभय सिंह अयोध्या जिले के गोसाईगंज सीट से सपा के टिकट पर दूसरी बार विधायक हैं। एक समय अभय सिंह का मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था, लेकिन उन्होंने बाद में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के साथ अपने रिश्ते मजबूत बना लिए थे। पूर्वांचल की सियासत में अभय सिंह को बाहुबली नेताओं के तौर पर जाना जाता है। राकेश पांडे अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा छोड़कर सपा में आए थे। अखिलेश यादव ने उन्हें जलालपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां से विधायक बने। इससे पहले बसपा से सांसद और विधायक रह चुके हैं। राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे 2024 में अंबेडकर नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। माना जा रहा है इसी वजह से राकेश पांडे ने सपा से बगावत कर बीजेपी के साथ खड़े होने का फैसला लिया। जलोन के कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। सपा उम्मीदवार की बजाय उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था। अखिलेश यादव के सारे समीकरणों को बिगाड़ दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले विनोद चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थामा था, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देकर अपने भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर दी। बुंदेलखंड की सियासत में विनोद चतुर्वेदी दिग्गज नेता माने जाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कौशाम्बी के धुरंधर सपाइयों को दरकिनार करते पूजा पाल को चायल से टिकट दिया। पूजा पाल अखिलेश यादव के उस भरोसे पर खरी उतरी। पूजा पाल का जातीय समीकरण, जनसंपर्क और चुनावी अनुभव जोड़ तोड़ सफल रहा। चायल विधानसभा में पहली बार सपा को जीत मिली। इतना ही नहीं, कौशाम्बी की तीनों विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार किया। कौशाम्बी से बीजेपी का खाता नहीं खुला। पूजा पाल चायल से विधायक होने के साथ ही समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक बनी। उसी पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को वोट कर दिया। मेहराजी प्रजापति जेल में बंद गायत्री प्रजापति की पत्नी है। गायत्री प्रजापति की पत्नी मेहराजी देवी को सपा ने यूपी चुनाव 2022 में अमेठी से उतारा था। उन्होंने भाजपा को हराकर यहां से जीत दर्ज की, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एक तरह से उन्होंने उस वक्त बीजेपी का साथ दिया। अब तो मेहराजी खुलकर बीजेपी का साथ दे रही हैं, लेकिन यहां गौर करने वाली बात है, जिस बीजेपी के कारण मेहराजी अभी हैं, वही बीजेपी खुलकर उनके पति गायत्री प्रजापति पर अब भी तरह तरह के आरोप लगाती है, जबकि अखिलेश अब भी उनके साथ है। बदायूं की बिसोली से सपा विधायक आशुतोष मौर्या ने भी राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। आशुतोष तकनीकी तौर पर तो अभी सपा के साथ हैं, लेकिन उनकी पत्नी और बहन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी वहीं चला गया है।
तो ये है सभा के 8 धोखेबाज विधायक जिनका प्यार बीजेपी के लिए अब खुले तौर पर दिख रहा है। अखिलेश इन विधायकों के इस प्यार को धोखेबाजी का नाम दे रहे हैं। राकेश सिंह, मनोज पांडे समेत ये 8 बागी अब अखिलेश के टारगेट पर हैं। शायद अखिलेश यादव इनके छल को भूल नहीं पाए हैं, इसलिए तो जब रायबरेली में अखिलेश ने धोखेबाज शब्द का उच्चारण किया तो उनकी आवाज में एक अलग ही तरह का गुस्सा दिखा। ये गुस्सा कुछ ऐसा रहा जिससे एहसास हुआ अखिलेश तो इन्हें किसी भी कीमत पर माफ करने के मूड में नहीं है। द राजनीति की शो में बस आज इतना ही। हमारे इस विश्लेषण पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम। गर्दन कट जाए लेकिन हम भगवान प्रभु राम को नहीं छोड़ सकते। सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी वहीं चला गया है कि वो जहां जाता वहीं गड्ढा खोदता है। श्री राकेश प्रताप सिंह को गौरीगंज के विधायक धन्यवाद दूंगा, मनोज पांडे को।